आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छुट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ, भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा,
तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या लिया है? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ।
बदमाश, सारे मोदक तुम अकेले नहीं खा सकते गणेश। मुझे पता है माँ, आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि माँ का सुख बेटे के पेट भरने से ही होता है। कितना नटखट हो गया है मेरा गणेश। ये सब मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ दोस्तों, उदास क्यों बैठे हो? प्रभु, हम पुराने खेल खेल कर उकता गए हैं, कुछ नया खेलना चाहते हैं, किंतु समझ नहीं आ रहा कि क्या खेलें। समस्या तो गंभीर है। वाह, मिल गया नया खेल। तुम सब आसपास बिखरे फूल पत्ते उठा ले आओ, जल्दी। जो आ गया प्रभु की। ये क्या है प्रभु? इसे गेंद कहते हैं। बाल श्री कृष्ण इसी तरह की गेंद से खेलते थे। अब हम खेलेंगे। मैं इसे उछालूंगा और तुम्हें इसे पकड़ना होगा। जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे दोबारा उछाल देगा। समझ गए? समझ गए। तो ये गई गेंद हवा में। प्रभु, ये खेल तो बहुत मजेदार है। अब देखता हूँ कोई कैसे पकड़ेगा मेरी फेंकी गेंद को। हाँ कम, गेंद तो बहुत बड़ी हो गई है। प्रभु, इस गेंद के आगे कोई आ गया तो वो मर भी सकता है। ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया मैंने, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, यही मेरी नियति है। प्रभु, उधर देखिए, ऋषि मुनि। ऋषि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऋषिवर, आप जानते बूझते मृत्यु के सामने क्यों खड़े हुए? मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा होना ही सही है। मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ ऋषिवर। प्रभु, भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे सोने चांदी की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिए मैं राजा अमय के पास पहुँचा और वहाँ। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा ऋषिवर, किंतु आपको शिव की नहीं मेरी पूजा करनी होगी, मुझे अपना भगवान समझिए। क्षमा राजन, मैं ऐसा करके अपने शिव का अपमान नहीं कर सकता। तो जा पाखंडी, जाकर अपने शिव से ही सोना चांदी मांग, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। राजा अमय के वो कड़वे शब्द मेरे लिए असहनीय होते जा रहे हैं प्रभु, मैंने अपने शिव के लिए ऐसी बातें सुन कैसे ली। मेरे महादेव का अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं उस राजा को। शांत नंदी, राजा अमय कोई दुष्ट पापी नहीं, वो अभी अहंकारी हुआ बैठा है, हमें तो बस उसके अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, आपकी पूजा होगी, वो भी राजा अमय के हाथों। तुम जीत गए अगम। जैसे कृष्ण भगवान ने गेंद से खेलते हुए कालिया नाग को मारा था, वैसे ही हम राजा अमय के अहंकार को भी मारेंगे। अब क्या करना है प्रभु? ये करना है। बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। महामंत्री, आज भिक्षा मांगने कोई भिक्षु नहीं आया। अलख निरंजन। अलख निरंजन। आप महान है राजन, इधर आपने भिक्षा की बात की और उधर भिक्षुक आ गए। बोलो ऋषिवर, क्या मांगते हो? ऋषि मुनियों के आने पर पहले स्वागत होता है राजन, तुम तो भिक्षा देने की बात करने लगे। बेकार की बातों से समय नष्ट मत करो ऋषि, बोलो क्या मांगते हो? सुना है राजन, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे हो, अपनी पूजा करवाना चाहते हो। सही सुना है। हम तुम्हारी पूजा करने को तैयार है राजन, किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे सर के इस एक बाल के वजन के बराबर सोना चांदी देना होगा और हमें भर पेट भोजन भी करवाना होगा, कहिए स्वीकार है? ओ ऋषि, मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते
जिससे तुम्हारा जीवन बदलता। महामंत्री, दोनों शर्तें पूरी की जाएं। तो प्रतीक्षा कैसी महामंत्री? सिक्का डालिए और बाल का वजन कर दीजिए। जी महाराज। क्या तुम लोगों को मोदक बनाने आते हैं? जी महाराज। तो बना कर लाओ पुत्र। जो आज्ञा ऋषिवर। मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। मुझे तिल के लड्डू और मोदक खाने हैं। मेरे और इनके लिए भुजिया और आलू की सब्जी लाइए हलवे के साथ। और मेरे लिए वो सब लाइए जो सबने मंगवाया है। जो आज्ञा ऋषिवर। अधिक खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है नंद ऋषि। जब तुम्हारा पेट गड़बड़ करे तब बताना, वैद्य को बुला लेंगे। इससे भी बड़ा तराजू लाओ। जाने कौन ऋषि है ये, कितना खाते हैं? आज तो बुरे फंसे। राजकोष खत्म हो गया तो क्या हुआ राजन? अपनी राजगद्दी, आभूषण और इस मुकुट से भी तो तोल सकते हो मेरे बाल को। महामंत्री, राजगद्दी लाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे पुत्र, थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ, भोजन कब का खत्म हो गया है। प्रभु, ऋषि के बाल वाला पलड़ा तो ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। उठ जाएगा मंत्री जी, उठ जाएगा। राजन की पत्नी के गहने जो बचे हैं, ले आओ। क्यों ऋषिवर? अब मैं क्या कहूँ नंद ऋषि, ये जाने और इनका काम जाने। महामंत्री, हमें यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? रानी, हमें आपके आभूषण चाहिए। किंतु परंतु का समय नहीं है रानी, आप आभूषण दीजिए। लगता है ऋषियों का पेट भर गया, तभी तो डकार ले रहे हैं। और लाओ पुत्र, हमें भूख लगी है। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं इनके लिए भोजन? प्रभु, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तो अब इस बाल का वजन कैसे होगा? महाराज, एक समस्या और है। इन साधुओं ने सारे अन्न भंडार चट कर दिए हैं, किंतु इनकी भूख शांत ही नहीं हो रही है। प्रभु, मुझे लगता है हमें प्रजा से धन और अन्न की वसूली करनी चाहिए। ये प्रजा के साथ अन्याय होगा महामंत्री। ये अन्याय नहीं प्रभु, एक राजा का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य होगा। इन ऋषियों के अपमान से बचने का अब यही एक तरीका है प्रभु। ठीक है महामंत्री, वसूली कीजिए। जी महाराज। प्रजा का धन भी चढ़ गया, किंतु बाल का वजन नहीं हुआ। अब क्या करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजन, साधुओं के भेष में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी परीक्षा ले रही है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, इनसे क्षमा मांग लीजिए। रुक क्यों गए पुत्र, भोजन लाइए, साधु भूखे हैं। हाँ, भूखे हैं, भोजन लाओ। क्षमा करें प्रभु, प्रजा से लाया अन्न भंडार भी खत्म हो चुका है। क्या हुआ राजन, तुम तो भक्तों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकते, कैसे भगवान हो तुम? क्षमा, क्षमा करें प्रभु, मैं अहंकार में आकर ये भूल कर बैठा। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं, मुझे अपना परिचय दे प्रभु। क्या कहते हैं ऋषि भाइयों? प्रभु ये कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। राजन, यदि तुम अहंकार से दूर रहना चाहते हो तो अपने चारों ओर सच्चे मित्रों और सच्चे सलाहकारों को जगा दो, चापलूसों को नहीं। मैं अपनी भूल सुधारूंगा प्रभु,
और अपनी प्रजा से माफी मांगते हुए उनका धन लौटा दूंगा और जिन ऋषिवर को पूजा के लिए मना किया था उनकी पूजा भी करवाऊंगा। किंतु भगवान, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो सब तो आपने खत्म कर दिया, तो अब मुझ पर इतना झूठा दोष मत लगाइए माते, मैं दोषी नहीं हूँ। महाराज महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया, अन्न के खाली भंडार यकायक भर गए। माँ, ये कौन है? ये श्रवण है गणेश, ये दूर गांव से आया है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। तुम जल्दी से खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। प्रभु, ये लीजिए मोदक, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। प्रभु, आप विश्राम कीजिए। प्रभु, पानी। कौन हो तुम? मैं हूँ श्रवण, बाल गणेश का सच्चा भक्त। मैं हूँ बाल गणेश का सच्चा भक्त, तुम नहीं। नहीं, मैं हूँ। सच्चा भक्त कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? प्रभु, आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका सच्चा भक्त कौन है, मैं या मूषक। मूषक, तैयार हो? प्रभु, जब आपका हाथ मेरे सर पे है तो मुझे डर किस बात का, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी 5 विभिन्न परीक्षाएं करूँगा, जो ज्यादा जीतेगा वही सच्चा भक्त कहलाएगा। हाँ, लेकिन परीक्षा देते समय छल कपट का प्रयोग नहीं करना है। वक्रतुंड महाकाय, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश पूजा करना अनिवार्य है, और मैंने उसके बिना ही अपना अभियान शुरू कर दिया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? हे प्रभु, हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। बाल गणेश की जय। सच्चा भक्त मैं ही बनकर दिखलाऊंगा मूषक, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रभु, मैं जीत गया। अरे मूषक, श्रवण ने कहा तुम दौड़ छोड़ के खाना खाने बैठ गए थे, देखा, हार गए ना? नहीं मूषक, अगर इस तरह चलता रहा तो तुम हार ही जाओगे और श्रवण फिर सच्चा भक्त कहलाएगा, सोच लो। चलो, अब दूसरी परीक्षा का वक्त आ गया। ओ, ये क्या लिखा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आप श्रवण को ही सच्चा भक्त बना लो, मूषक से ना हो पाएगा। हमने कितनी बार मूषक से कहा पढ़ ले, अगर मूषक ने पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मूषक, अब श्रवण ने 2-2 परीक्षाएं जीत ली हैं। अब सुनो, तुम दोनों के सामने अभी जो भी आए वो खाना है, पर अपनी आंखें बंद करके। क्या? अगर तुम्हें परीक्षा नहीं देनी तो हार मान लो श्रवण। नहीं नहीं प्रभु,
मैं तैयार हूँ। मैं तो आपका सच्चा भक्त हूँ। मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा प्रभु। अगम बगम बांध दो इनकी आंखों पर पट्टी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों थक गए? नहीं नहीं, भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, बस ये आखिरी है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे देखना होगा कहीं सिर्फ मुझे ही तो तीखी मिर्ची नहीं खिलाई। वाह मूषक, इस बार तो तुम जीत गए। क्या आश्रम पे आगमन? नंदी ब्रिंगी चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ और आपकी रक्षा करूंगा इन दैत्यों से। मूषक श्रवण, लगता है तुम्हारी आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। जो इसमें उत्तीर्ण होगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मुनिवर आप अंदर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। प्रभु मैं अकेला ही काफी हूँ इसके लिए, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। नहीं प्रभु, इसे तो मैं ही मारूंगा। बाल गणेश, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर लगता है कि मुझे आसानी से मार दोगे तो ये असंभव है, असंभव। काश तुम मुझे मार पाते, काश। क्या हुआ? मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। कुछ रुको, मत मारो मुझे, रुको रुको। जरा तुम इनसे तो लड़के दिखाओ। तैयार हो? जा रहे हो? बाल गणेश मुझे माफ कर दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अपनी जान बचाओ। हाँ?
लगी तो नहीं तुम्हें? प्रभु, आपके होते हुए मुझ जैसे सच्चे भक्त को किस बात का डर? अरे तो फिर यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? माँ के हाथ के लड्डू नहीं खाने? चलो। प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको धोखा दिया और मैं प्रभु भक्ति में भी मूषक राज से कम ही साबित हुआ। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ श्रवण। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु में पूर्ण विश्वास रखे और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, और इसीलिए मूषक तुम जीत गए। श्रवण मेरे मित्र, हाँ? तुमने सच्चा भक्त बनने के लिए गलत तरीके अपनाए, लेकिन तुम्हारा प्रभु भक्ति के लिए प्यार सही था। और जिसके दिल में बाल गणेश जी के लिए प्यार हो वो मेरा मित्र होता है। आओ मित्र, गले मिलो।